तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल CBSE एजुकेशन इन हिंदी में। आज हमने क्लास 11th का चैप्टर पहला लिया है, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। आज मैं आपको क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है वो बताने वाला हूँ, और पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में है, तो ध्यान से देखिए। और मेरा नाम है कृष्णा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान, पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान किसे कहते हैं। संविधान, उत्तर, संविधान ऐसे लिखित दस्तावेज है जिनके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इनमें नियम, कायदे, कानून, सरकार की शक्तियाँ, अधिकार आदि के बारे में विस्तार से लिखा जाता है। संविधान, संविधान अगर कोई भी देश अपना विकास करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है उसको संविधान की है। संविधान में कायदे, कानून, अधिकार, सरकार को क्या शक्तियाँ प्राप्त है, अधिकार क्या है, तो वो बत लिखे होते हैं संविधान में। तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिनके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इनमें नियम, कायदे, कानून, सरकार की शक्तियाँ, अधिकार आदि के बारे में विस्तार से लिखा जाता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा हमारा, भारतीय संविधान कब बना तथा कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान था वो 26 नवंबर को ही बन चुका था, 26 नवंबर 1949 में बन चुका था, लेकिन जो इसे लागू किया गया वो हमारा था 26 जनवरी 1950 में, तो ये लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चन आ जाते एक दो नंबर में, देख लेना आप। क्वेश्चन तीसरा, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो उत्तर 2 साल 11 महीने 18 दिन और लगभग 64 लाख रुपये खर्च हुए थे इसमें। तो कभी कभी पूछ लेता है कि कितने रुपए खर्च हुए भारत का जो संविधान है वो बनने में, तो 64 लाख रुपए खर्च हुआ था, और इसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग व अनुसूचियाँ हैं। तो उत्तर अनुच्छेद 395, भाग 22 है, और अनुसूचियाँ 8 है। ये जो है आपका 2016 है, उससे पहले का आंकड़ा है। तो 2016 के आंकड़े हैं वो ऐसे इस तरह से है कि 2016 के आंकड़े, अनुच्छेद है 465, भाग कितना है 25, अनुसूचियाँ 8। तो ये थे आपके 2016 के अनुसार थे ये सारे। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। किसी भी देश को या किसी को भी संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आप मन में ही सोचिए, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है सबको। अगर संविधान नहीं होगा तो क्या होगा, और संविधान आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये है पहला पॉइंट। मैं बता दूं, संविधान की जो आवश्यकता है देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए पड़ती है। दूसरे में आप लिख सकते हैं तालमेल बनाने के लिए। हमारा जो देश है वो विभिन्नताओं का देश है, इसमें बहुत अलग अलग जाति के लोग, धर्म के लोग रहते हैं, तो इनके बीच जो तालमेल बैठाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कोई भी कानून के दायरे के बाहर ना जा सके, कानून के दायरे के अंदर रहे, ये जो है इस कारण भी हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। चौथा पॉइंट, देश के विकास में भी इसका योगदान होता है, देश के विज्ञान, जो देश का विकास है उसमें भी इसका बहुत योगदान होता है। पांचवा, सरकार की मनमानियों को रोकने के लिए संविधान जो है, सरकार की जो लोगों के जो अधिकार है उसका हनन ना हो, तो ये भी जो है संविधान ही देखता है कि सरकार की जो मनमानियां है वो भी अंडर में हो उसके, तो ये संविधान, संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ती है। छठा पॉइंट है एकता स्थापित करने के लिए। अगर संविधान नहीं होगा तो कोई भी अपनी मनमानी कर सकता है, कोई भी राज्य सत्ता ये सब होते रहते हैं, हो सकते हैं, परंतु जब संविधान होगा किसी देश में तो वो नहीं होगा ऐसा, सब बराबर के अधिकार होंगे उनके पास, तो एकता स्थापित करने के लिए भी संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो ये था आपका पांचवा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन को देखेंगे हम। छठा क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। संविधान की प्रस्तावना से हमें संविधान की विशेषता का पता चलता है। संविधान की जो प्रस्तावना है उससे हमें संविधान की विशेषता का पता चलता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप, इसमें स्पष्ट किया गया है कि भारत में लोकतंत्र, समाजवाद, समता, धर्मनिरपेक्षता है, यानी
लोकतंत्र है, इसमें स्पष्ट किया गया तो भारत में जो है लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, लोगों द्वारा सरकार चुनी जाती है, समाजवाद है, समता है और धर्मनिरपेक्षता है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, ये हमारे संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चौथा पॉइंट है हमारा इसमें संविधान, इसे जो है संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। जो प्रस्तावना है संविधान की, जो प्रस्तावना है तो उसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। ये आपका था छठा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 7, संविधान सभा का स्वरूप बताओ। संविधान सभा का स्वरूप कैसा है? तो संविधान जो शुरू शुरू में हुए थे ना संविधान बनाने के लिए, जब लोग बैठे थे तो सदस्य कितने थे? 389, 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे, और 4 चीफ कमिश्नर थे, और 93 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। तो ये था संविधान सभा का स्वरूप। इसमें ज़्यादा वो नहीं है, आप डाउट मत रखना, ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये संख्या आप याद कर लीजिए, जो सदस्य कितने थे, कुल सदस्य 2389, जो ब्रिटिश प्रांतों से जो निर्वाचित सदस्य थे वो कितने थे? 292, चीफ 4 थे, 4 चीफ कमिश्नर थे, और जो 93 थे वो देसी रियासतों से थे। और संविधान सभा का चुनाव कैबिनेट मिशन के अनुसार 1946 में, 1946 में हुआ। संविधान सभा का जो चुनाव था वो कैबिनेट मिशन के अनुसार 1946 में हुआ। तो ये आपका था संविधान सभा का स्वरूप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 8, संविधान सभा की पहली, दूसरी, तीसरी बैठक, दूसरी बैठक संविधान सभा की पहली, दूसरी, तीसरी बैठक, यहाँ सॉरी, कब आएगा, कब हुई, इसका बहिष्कार किसने किया? तो संविधान सभा की जो उत्तर देख लेते हैं, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, डॉक्टर सचिनानंद किन्हा, ये अस्थाई अध्यक्ष थे उस समय। और दूसरी बैठक था 11 दिसंबर 1946 को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी अध्यक्ष। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, उद्देश्य प्रस्ताव, ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो ये आपके थे 3 जो है बैठक हुई। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं इसको, कि जो संविधान सभा की जो बैठक है पहली दूसरी तीसरी कैसे हुई, साल एक ही है, साल 1946 ही है सबका, 1946, और 9 दिसंबर 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, लाइन से याद कर लीजिए आप, 9 11 13। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था तीसरी बैठक में। और बहिष्कार किसने किया था इसका? तो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, उसने अपने लिए अलग देश की मांग करी, मुस्लिम लीग, जो 1906 में बना था शायद। क्वेश्चन 9, मुस्लिम लीग ने जब संविधान सभा को छोड़ दिया तब संविधान सभा में कितने सदस्य बचे? तो उत्तर 299 सदस्य बचे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। और 26 नवंबर 1949 को जीरण दिन संविधान बना, सॉरी 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान बना उस दिन 284 सदस्य उपस्थित थे। इन सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो कभी कभी ये एक नंबर में आ जाता है, संविधान जो बना उसमें कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, तो आपका आएगा आंसर 284। क्वेश्चन 10वां है हमारा, भारतीय संविधान की विशेषताएं बताओ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो उत्तर देखते हैं, सबसे बड़ा लिखित संविधान, जो भारतीय संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरा पॉइंट, सबसे सफल संविधान, ये संविधान जो है सबसे सफल है विश्व में दूसरे संविधान के मुकाबले। ना ज़्यादा कठोर है ना ज़्यादा लचीला, यानी इसमें हम चेंजेस तो कर सकते, ज़्यादा कठिन भी नहीं है और ज़्यादा आसान भी नहीं है। तो ना ज़्यादा लचीला है ना ज़्यादा कठोर संशोधन के मामले में। चौथा पॉइंट है हमारा, सार्वभौम वैश्विक मताधिकार, यानी 18 वर्ष से ऊपर जो व्यक्ति है वह सब वोट डाल सकते हैं, अपने मन से सरकार चुन सकते हैं, वह खुद, कोई उन्हें रोक नहीं सकता वोट डालने से। पांचवा पॉइंट, अलग अलग देशों प्रावधान के लिए गए, अलग अलग देशों प्रावधान
प्रावधान के लिए गए, एक थोड़ा अलग लिखा है, अलग अलग देशों से आएगा प्रावधान लिए गए, तो अलग अलग देशों से इसमें प्रावधान ले गया, अमेरिका से ले गया, जर्मनी से ले गया, सोवियत संघ से ले गया, कई ऐसे देश है जो उसका उधार लिया गया है, वो अगला क्वेश्चन बता देंगे हम आपको, अगला ही क्वेश्चन हो शायद। छठा पॉइंट, संसदीय शासन व्यवस्था, जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, यहाँ पर जो चुनाव है वो स्वतंत्र होता है और निष्पक्ष होता है, जनता अपनी मर्जी से सरकार चुन सकती है। आठवां पॉइंट, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, यानी यहाँ पर लोगों का तंत्र है, लोगों द्वारा सरकार चुनी जाती है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, पहले जो हमारे मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, जो कि अब 6 रह गए। जो 7वां अधिकार था जो हट गया, वो संपत्ति का अधिकार। इसके हटने के क्या कारण है? पहले जो जमीन हुआ करते थे जमींदार, वो भर लेते थे अपने पास, इतने इतने ज़मीनें रख लेते थे, और जो गरीब थे उनके पास एक ज़मीन नहीं, और एक लोगों के चक्कर में लाखों लोगों का नुकसान हो, लाखों लोग ऐस जुल्म सहे, तो ऐसा सरकार नहीं करना चाहती थी। तो जिसके कारण जो है, और सरकार ने संपत्ति का अधिकार ही वापिस ले लिया लोगों से। और 10वां एकल अधिकार, एकल अधिकार, और 11वां धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि कोई भी धर्म हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, वह उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो ये था हमारा 11वां पॉइंट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 11, भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से, तो उत्तर देखते हैं। संविधान को उधार का थैला इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जिसने अन्य देशों से प्रावधान उधार लिए गए हैं। जो इसने है संविधान जो बनाया है भारत ने, तो उसने अच्छी अच्छी जो बातें थी सभी देश के संविधान से ले ली है थोड़ी थोड़ी। तो देखते हैं किस किस से कौन सी लिए। अमेरिका, अमेरिका से जो है भारत ने वो मौलिक अधिकार लिए हैं, सोवियत संघ मौलिक कर्तव्य, दक्षिण अफ्रीका संशोधन की प्रक्रिया, जो संशोधन होता है हमारा संविधान में, तो ये जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आयरलैंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। ब्रिटेन, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव की जीत, जो है जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे, सर्वाधिक सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव की जीत, जो ज़्यादा वोट पाएगा वो जीतेगा। और फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, कनाडा सशक्त केंद्रीय सरकार, ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र व राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, जो राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जर्मनी से आपातकाल, आपातकाल का अर्थ नहीं समझते हो आप तो मैं बता देता हूँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इसे आपातकाल कहते हैं। जब देश में आपातकाल लगता है तो जो सारी शक्तियाँ हैं लोगों से जो होती है शक्तियाँ जिनके पास, वो जो सारी शक्तियाँ सरकार के अंडर में हो जाती है, उस समय सरकार कुछ भी कर सकती है। तो ये था आपका चैप्टर पहला, ये आपका पूरा चैप्टर एक ही मैंने वीडियो में कर दिया है, तो बहुत मेहनत लगी है वीडियो को बनाने के लिए। लाइक कर दे वीडियो को, बताए आपको कैसी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए, उसमें बहुत फ़ायदा है आपके लिए। तो वीडियो का एंड करते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।